नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज न्यूज। चंदौली जिले में दर्जनों औद्योगिक कंपनियां होने के बावजूद स्थानीय युवा बेरोजगार हैं, जिसे नाराज युवाओं ने आज बैठन चाचा नेहरू पार्क में बैठक की और कहा कि अब हम लोगों ने रोजगार पाने के लिए कमर कसी और हर संभव लड़ाई लड़ेंगे। में भी बेरोजगार युवा है, सारे लोग एकत्रित होकर एक संगठन बनाए, जिस संगठन का नाम मध्य प्रदेश युवा बेरोजगार सिंगरौली संगठन है। इस संगठन के बैनर तले हम लोग बैठ के एक बैठक तैयार किए। अभी काफ़ी संख्या में हमारे पास मजबूती लोग एकत्रित नहीं हुए हैं, लेकिन हम लोग प्रयास से बहुत जल्द हम लोग अपना संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। इसके बाद हमारे क्षेत्र में, हमारे सिंगरौली जिले में काफ़ी कंपनियां आ चुकी हैं जिनका धंधा काम चल रहा है, और जो कंपनियां लॉन्च हुई हैं, आने वाली हैं, उन कंपनियों के खिलाफ भी हम सारे युवा एकत्रित होकर हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और कंपनियों को इतना मजबूर कर देंगे कि वो हमारे सिंगरौली के युवाओं को जो जिस लायक है, जिसकी जिस जैसी योग्यता है, और जैसे किसी को ड्राइवर, कोई ड्राइवरी एक्सपीरियंस है, किसी का किसी वर्क के लिए एक्सपीरियंस है, जो जिस वर्क के लायक होगा उसे उस वर्क के लिए काम। युवा बेरोजगार सिंगरौली आज युवा रोजगार के लिए आज यहाँ पे बैठक किया गया है बेरोजगार युवा के माध्यम से। और हमने तो सुना था कि युवा ही बेरोजगार है। यहाँ पे मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले में लड़कियाँ भी आ चुकी हैं, उभरती हुई लड़कियाँ भी आ रही हैं। मैं चाह रहा हूँ कि विस्थापित अपने सिंगरौली जिले के जो भी उद्योग कंपनियाँ हैं, मैं चाह रहा हूँ कि जो भी वर्क कार्य कर रही हैं या जो भी वर्क कर रही हैं,